हेलो दोस्तों, आज चिकन ब्रेस्ट बनाएंगे ग्रेवी वाली। ठीक है, बहुत सिंपल आसान तरीका, इतना टेस्टी लजीज, याद रखोगे भाई याद रखता हूँ। सबसे पहले क्या लेना है, ठीक है, देखते रहो तुम मेरा जलवा। दो तीन प्याज लिए मैंने छोटे, एक टमाटर लिया और 250-300 ग्राम मैंने लिया चिकन ब्रेस्ट। उसमें डालते हम सरसों का तेल, सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा डालना तो तभी टेस्ट आएगा। एक कंजूसी मत करना, एक चम्मच दो चम्मच वाली, ठीक है। ये थोड़ी सी गर्म होने देते हैं और डालते हैं थोड़ा जीरा, ठीक है। अब इसके अंदर डालता हूँ मैं, देखते रहो, इसमें से निकालता हूँ। ये तो जावित्री है, ये चार पांच काली मिर्च, तीन चारों डाल देता हूँ ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक लौंग, दूसरा लौंग, छोटा सा तीसरा, एक और डाल लेते हैं, ठीक है ना। ज़रा तीन लौंग, मोटे मोटे तीन चार लौंग, ठीक है। छोटी इलायची डालनी है, ये वाली, ये तोड़ लो, तोड़ कैसे खोल के इसमें डाल दो, दो डालो कम से कम, एक में तो क्या मजा है बताएगा, ठीक है। डाल दे इसमें धुआं लग गया, देखो डार्क हो गया ना जीरा, डार्क हो गया, लौंग भी भुन गया बहुत। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने प्याज टमाटर काटा था ना, इकट्ठा डाल देंगे इसके अंदर, डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले, सारे मसाले इसमें डाल देंगे। डालूंगा आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम ये काली मिर्च, एक चम्मच हल्दी और एक डेढ़ चम्मच नमक और आधे से चम्मच थोड़ी कितनी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। एक चम्मच चिकन मसाला, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं इससे टॉस्ट लाल बनेगा, नमक की वजह से। चलो बाद बना देंगे, तेल छोड़ने लग गया ये। वैसे ये मसाले का खेला सारा, जिसको मसाला पकाना आ गया समझ लो उसको खाना बनाना आ गया। अब मैं ये जो चिकन है वो इसी में डाल दूंगा सारा, ठीक है। पूरा हम कर देंगे इसे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जगह बाहर चला जाए, मिक्स कर दिया ना, तो एक बार इसको ढक देंगे तो चिकन थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देगा, तो फिर इसको दोबारा मिक्स कर देंगे हम। उससे क्या सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसको ढक देते हैं 5-7 मिनट के लिए इसको, ठीक है गाइस। इसको 5-7 मिनट हो गए, अब इसको घुमा हिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ ना चिकन को अच्छी तरह, हो जाएगा मिक्स। आपने देखो मैं इसमें पानी डाला बिल्कुल भी, इसमें पानी हमने बिल्कुल भी डालना, ठीक है। ये चिकन अपना जो पानी छोड़ेगा उसी में ही अपने बन के तैयार हो जाएंगे। ये तो लोग ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देते हैं तो वो सारा टेस्ट खराब हो जाता है, पानी पानी होता है। इसको एक दोबारा मिक्स कर दिया एक बार, अब मैं इसको फिर ढक देता हूँ और ये बनता रहेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद खोलूंगा, कम से कम इसको पकने दूंगा मैं 10 मिनट,
आठ से दस मिनट, ठीक है। साथ साथ मैं दिखाता हूँ आपको मेरे किचन में क्या चल रहा है। ये बाबू जी चूहा ढूंढ रहे हैं, हर रोज मेरा किचन ऐसे ही बिखेर देते हैं, ठीक है। सामान उधर गिरा दिया, उधर गिरा दिया चूहे के चक्कर में, ठीक है। तो बड़ा परेशान हूँ, तो कैसे बिखरा पड़ा, नीचे इसमें उठा आटा के ऊपर रखना पड़ता है। इधर बना रखा है हलवा, वाह। यहाँ मेरा चिकन, ठीक है। ऑलिव ऑयल डाइट का सामान सारा रखा हुआ है, ब्राउन ब्रेड रखी है, ठीक है। इधर एग्स हो गए, रो एग्स हो गए, मेरा विंग्स के, ठीक है। और क्या दूँ, मैं किशमिश खाता हूँ भिगो के, बोलिए हो गया है। ये मेरा डब्बा है ओट्स का, ये मेरा टोस्टर, ठीक है। पॉपकॉर्न्स, ये मेरा साथी, जीवन साथी ब्लेंडर जो शेक बनाने के काम आता है। फिर आपको बात करता हूँ, ये मिस्टर जगनू जगह। बाकी भी टीम आपको दिखाता हूँ, बाकी टीम क्या कर रही है। बाकी टीम हमारी ईगल, ईगल सो रही है। एलिसा हेलो बोलो, बोल हेलो ना। ये हमारे महान हायाबुसा जी, जैसा नाम वैसे काम, फास्ट तो तुरंत कार्रवाई। चलो अपनी सब किचन में आगे देखते हैं इसे। देखो इसने चिकन, हाँ चिकन किचन कहने वाला था मैं, चिकन ने पानी छोड़ दिया ना, देखो कितना, तो बस ऐसे ही पकता रहेगा। इसको थोड़ा दबा देंगे बीच में से, देखते हैं दबा, इसको ना पीस को ऐसे दबा के चेक करना पड़ता है कि हाँ चिकन कहीं कच्चा तो नहीं है। तो थोड़ा सा मैं नमक मसाला चेक लेता हूँ ऐसे करके, परफेक्ट। थोड़ी चिकन ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आप याद रखोगे। आप क्या करना है, थोड़ी चीनी, आधा चम्मच बस इतनी चीनी आपने इस चिकन में डाल देनी है, ठीक है। ठीक है गाइस, चेक कर लेते हैं चिकन को दोबारा। ये तो मेरे हिसाब से रेडी हो चुका है बस। अब हमने क्या करना है, इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके चिकन को और लजीज बना देंगी, ठीक है। आप लेना है घर का मक्खन, अमूल बटर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं तो घर का यूज़ करता हूँ, एक चम्मच, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और जो चीज़ क्या थी, था जैसे कस्तूरी मिर्ची, ये होती है कस्तूरी मिर्ची ग्रीन कलर की, एक चम्मच। और तो ज़्यादा दो चम्मच, ठीक है। पाँच सात मिनट और ऐसे इसको पकने देते हैं, और फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे, कोई ढका रहेगा दो चार पाँच मिनट के लिए, और उसके बाद आएगी